ध्रुवों की ओर, ये जो चलती है कहाँ की तरफ, ये होता है आपका दक्षिण उत्तरी सागरी अक्षांश से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक। बाकी अभी तीन गेट हवाओं के बारे में देखना, ठीक है। द्वितीय लंबा होता नहीं है, दूसरा है ध्रुवीय वाताकरी जलस्थली, ध्रुवीय वाताकरी ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, ये हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम होता है ना। तो भाई ध्रुवीय वातावरण की बात कर रहा है, तो ये जो आपकी जेट होगी वो आपके 30 और 60 के छात्रों के मध्य में आपको पाई जाएगी। मतलब 30 से 60 की तरफ तक जाएगी, इसका बिहेवियर क्या हुआ थोड़ा सा तथ्य ले लीजिए, तब आपको समझने में आसानी होगी और ना थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे। चलिए सुनते हैं, इनका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत इनका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों इनका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों यौ उष्ण कटिबंधीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों अलग कह रहा है ध्रुवीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों दूसरा क्या स्टेटमेंट कर रहे हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना है आपको। तथा उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलित क्षेत्र के सम्मिलित क्षेत्र सम्मिलित क्षेत्र होगा क्या, देखिए एक तो आपका 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में चलेगी और 30 से 60 पर ध्यान रखना है, एक तो आपका यहाँ से सम्मिलित क्षेत्र में आएगा ये 20 डिग्री अक्षांशों के, एक खबर भी हो जाएगी जो कि इसका व्यवहार कैसा होगा, गर्म ऐसा होगा। कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र है बोलोगे, कौन सा क्षेत्र है, और इसका नाम होगा 30 से 60, है ना, 30 से 60 डिग्री, 30 से 60 मतलब ये हो जाएगा कि 20 से 30 की तरफ जाएगा, 30 से 60 मतलब चलेगा। तो ये दोनों का मिक्सअप अभी आगे और डिटेल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी एक ही तरफ की हवा जा रही है, एक ही दोनों का व्यवहार देखिए इसी तरफ है ना, लेकिन बस थोड़ा स्वभाव अलग है, यहाँ है तो गर्म है, यहाँ है स्वभाव तो ठंडा हो जाएगा, बस इतना साफ हो रहेगा, बाकी इसी का मिक्सअप होगा, ठीक है। आइए थोड़ा और देखते हैं, उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलन क्षेत्र, इन ब्रैकेट लिखिए 30 से 60 डिग्री अक्षांश, ब्रैकेट में 30 से 60 डिग्री अक्षांश ब्रैकेट बंद के ऊपर 30 से 60 के ऊपर है ना। अब देखिए जेट है भाई तो नीचे तो चलती नहीं है, जेट नीचे चलती है, जेट जब भी चलेगी तो आपका ये क्या होगा, क्षोभमंडल के ऊपरी वाले हिस्से में चलेगी आपकी, और क्षोभमंडल का ऊपरी हिस्सा में जो मूवमेंट होगा वो, क्योंकि वहां पर कोई अवरोध नहीं होता है, हवाओं का दबाव कहीं निम्न वायुदाब कहीं उच्च वायुदाब धरातल पर होता है, उसके कारण से जो हवाओं का विस्थापन होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब जैसे यहाँ पर ये इक्वेटर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, यहाँ पर क्या हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, क्या होता है कि धरातल का यहाँ स्पेशल लो प्रेशर है, तो धरातल में जब मूवमेंट इधर से उधर होगी क्या होगी, हवा का मूवमेंट एक जगह से दूसरी तरफ पर होता है जब प्रेशर भिन्न हो जाते हैं, भिन्न प्रेशर होने पर ही, धरातल का प्रेशर भिन्न होने पर ही आपकी हवाएं चलती हैं, अगर प्रेशर हर जगह समान हो तो हवाएं नहीं चलेगी, कहीं कहीं कुछ क्षेत्र विशेष में जब प्रेशर एक समान हो जाता है यानी कि उच्च वायुदाब प्रेशर उस क्षेत्र में बन जाता है तो मूवमेंट हवा की नहीं रहती है,
और चूंकि हमारा ग्लोब ऐसा बना हुआ है और सूर्य की कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, पृथ्वी का झुकाव कुछ इस तरह से है कि सूर्य की किरणें एक क्षेत्र विशेष पर ज्यादा पड़ती है, ठीक है, एक समय पीरियड में एक क्षेत्र विशेष पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, सूर्य का स्वभाव कैसा है, गर्म स्वभाव है, जहां जाएंगे गर्मी ले आएंगे, गर्मी करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर जोन वहां बना देंगे, वो लो प्रेशर जोन बना देंगे तो हवा वहां को आएगी और जहां हाई प्रेशर होगा, तो ये पूरे ग्लोब में चूंकि हमेशा सूरज ही एक बड़ा कारक बन जाता है और सूरज जहां नहीं बन पा जा पाता है वहां पे हमेशा हाई प्रेशर रहता है, जैसे देख लीजिए ये पोल हमेशा हाई प्रेशर रहेंगे क्योंकि वो कभी भी सूरज से इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो इस नाते जब इफेक्टिव नहीं होंगे तो उस पर क्या होगा, जो जो भी दाब है जैसा भी है दाब एक समान रहेगा, और एक समान दाब का मतलब हो गया कि प्रेशर हाई ही रहेगा, है ना, हाई प्रेशर ही बना रहेगा वहां पर। हाई प्रेशर का सेंस इन सेंस ये है, लो तो तभी होगा जब सूरज है किसी भी जगह का प्रेशर, मान लो इस कमरे का तापमान जो है एक औसत तापमान कर दिया गया, एक टेम्परेचर, तो जब एक औसत तापमान पूरे कमरे का हो गया तो यानी कि इस पे हवाओं का प्रेशर हर जगह एक समान हो गया, लेकिन हमने क्या कर दिया कि किसी क्षेत्र विशेष में ब्लोवर करके लगा दिया, इस कमरे में दो जगह ब्लोवर लगा दिया, तो इस क्षेत्र का क्या होगा, थोड़ा सा तापमान निश्चित तौर से और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा उन क्षेत्रों की अपेक्षा। यहाँ पर क्या होता है, सूरज कभी पहुंचते ही नहीं है, सूर्य की किरणों का प्रेशर ही नहीं होता है यहाँ पर एक तरह से, तो यहाँ का प्रेशर जो भी है जैसा भी है वो अपने साथ बना, तो इस नाते यहाँ पर उच्च प्रेशर दाब होता है क्योंकि सूरज इधर जाएंगे तो यहाँ निम्न बना, जहां जहां जाएंगे वहां निम्न बनाते चले जाएंगे, तो ये समझने वाला कॉन्सेप्ट एक तरह से आपके दिमाग में है कि जहां नहीं जाएंगे तो जहां जैसा है वैसे रहेगा, जैसे ज्ञान की ज्योति वहां वैसी ही रहेगी जहां जैसे आदिमानव पैदा हुआ था, जैसे मान लो जो आदिवासी जनजातियां हमारी हैं, जो मान लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रहने वाली जनजातियां हैं, जो पूरी तरह से सैंपेन जाति वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और भी बहुत सारी जातियां हैं, तो वहां पर देखा जारवा अरवा का नाम सुना होगा, ये सब क्या है, बिल्कुल एकदम जनजातीय क्षेत्र है, जंगलों में रहती है, इनका जीवन पूरी तरह जंगलों में है, तो कैसे है, ये पूरी तरह से किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी ज्ञान से, किसी भी उन्नति से, किसी भी प्रोग्रेस से हमेशा दूर है, यानी कि जैसा मनुष्य पैदा हुआ था वो पता नहीं किस वेशभूषा में रह रहे हैं, कपड़े में रहते हैं ना या बिना कपड़े के रहते हैं, खाते हैं क्या, कैसे खाते हैं, उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा शोध के बाद में पता चला, बाकी सामान्य जानकारी कुछ नहीं हमारे पास है ना, यानी मूलधारा से भिन्न रहते हैं, कहने का मतलब मूलधारा से भिन्न है, इसका मतलब वहाँ पर वो चीज़ नहीं पहुँच पाई है जो पहुँचनी चाहिए थी, उन्नति की उनको नहीं मालूम है गुलामी क्या है, उन्हें नहीं मालूम सरणी क्या है, संप्रभुता क्या चीज़ होती है, उनको ये इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम, यानी कि जो राज्य की परिभाषा है चार तरह की आपने देखा होगा, जनसंख्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है, ये जो चार एलिमेंट उनको नहीं पता, उनको तो अपने हिसाब से काम करते हैं, उसी तरह से मेरा कहने का मतलब उनको कुछ भी नहीं मतलब है किसी चीज़ से पढ़ना नौकरी मिलेगी और ये होगा वो होगा, वो अपने कल्चर अपनी सभ्यताएं जो उनकी विकसित हुई हैं वो उसी के परिप्रेक्ष्य में अपना कार्य करते हैं, मतलब उनको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से ये क्षेत्र है सूरज का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र सूरज की रोशनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले, तो जहाँ पड़ेगा वही होगा, तो धरातल पर बेटा जब कहीं डिस्टर्बेंस होगा तो मूवमेंट होगी इधर से उधर हवाओं की, जहाँ लो होगा वहां जाएगी, जहाँ हाई होगा वहां से जाएगी, तो जब नीचे की मूवमेंट होगी तो ऊपर भी कुछ हलचल होगी, हलचल क्या होगी कि जैसे आप देखते हैं गर्मी जब बनती है, तो अभी आपने लास्ट टाइम हमने आपको बताया था एडियाबेटिक इफेक्ट, परिवर्तन हम आपको बताया था ना, उसमें क्या होता है कि बिना अतिरिक्त उष्मा दिए जो है वायु का तापमान घनत्व में कमी और वृद्धि हो जाती है, और कमी और वृद्धि से क्या हो जाता है, हवा ठंडी और गर्म हो जाती है, वो जो ठंडा हो जाना और गर्म हो जाना वही क्या है, रुद्धोत्ताप परिवर्तन परिवर्तन से वो कहते हैं, जैसे अभी क्या होता है कि आपको सिकोड़ दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगी, गर्मी से कोई आपको बहुत तेजी से दबा दे, छोटे बच्चों को आप लोग देखते हैं ना, बहुत तेजी से लोग उसको लेकर के उसको दबा देते हैं तो बच्चा चिल्लाने लगता है, वो पसीने से होने लगते हैं, या आप ही कहीं बहुत ज्यादा पैक्ड हो जाते हैं तो पसीने होने लगते हैं, और जब आदमी खुले में हो जाता है तो बिल्कुल प्रफुल्लित होता है, हवाओं का क्या यही रोल है, गर्म होती हवाएं ऊपर जाती है फैलती है, फैलती है तो क्या हो जाता है उनका घनत्व ऊपर जाने पर आप जानते हैं कि एक सामान्य ताप ह्रास दर होती है, एक समान ऊंचाई पर जाने पर आपको
समान ऊंचाई पर जाने पर 100% मीटर जाने पर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, तो वो तो एक अलग है, सामान्य ताप ह्रास दर वो एक अलग चीज है। यहाँ पर रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर जो है वो थोड़ा सा उससे भिन्न होता है। मैंने इसको पढ़ाया आपको, अगर किसी ने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि वही रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर है, यहाँ पर वो सामान्य ताप ह्रास दर से भिन्न होता है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर, दोनों में थोड़ी भिन्नता होती है। याद है किसी को कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, एहसान करो किताबों में, तो नोट्स पर भी थोड़ा एहसान करो और हमारे पर भी एहसान करो और आदरणीय मुख्यमंत्री पर भी एहसान करो, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे हैं एक तरह से, ऐसे अभिभावक वही हैं आपके मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, तो उन पर भी थोड़ा सा परोपकार करो, याद करो। तो वो जो आपका सामान्य ताप परिवर्तन ह्रास दर है और उसके बाद में जो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर है, दोनों में थोड़ी सी भिन्नता रहती है, दोनों का व्यवहार थोड़ा सा अलग रहता है। बाकी आप जानते हैं ऊंचाई पर जाने तापमान घटता है और निचाई पर आने पर तापमान बढ़ता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वायुमंडल के निचले हिस्से में ताप ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे दाब कम होता चला जाता है, तो जब दाब कम हो जाएगा तो हवाओं का दाब कम होने में घनत्व हवाओं का जो आयतन है वो फैल जाता है, ऊपर का जाने पर आयतन फैलता जाएगा, नीचे आएगा तो उसका आयतन कम होता चला जाएगा, ठीक है, कम जगह में हो जाएगी, तो वही जो ऊपर जाएगी तो हवा ठंडी हो जाएगी, नीचे आएगी हवा गर्म हो जाएगी, है ना, तो वो जो ऊपर गर्म और ठंडी का है तो वही ऊपर नीचे यहाँ मान लो लो प्रेशर या हाई प्रेशर, तो यहाँ से यहाँ को हवा आई, तो यहाँ से जब आई तो यहाँ जगह खाली हो गई, तो यहाँ जो इसके ऊपर की हवा वो नीचे बैठेगी और बैठेगी क्या, फैली हुई हवा बैठेगी, यस सर, फिर यहाँ की हवा जो है जो गई है कहाँ गई है, हल्की होकर ऊपर गई है तो ऊपर फैली हुई है, तो ये ऐसे जाएगी सर्किल आपकी बनती जाएगी। यही तो आपने तीन सेल पढ़े थे, कौन कौन सेल पढ़े थे, पूर्वा हवाओं के सेल में कौन सा बनता है, हेडली सेल बनता है कि फेरल का सेल बनता है, हेडली बनता है, पछुआ हवाओं के क्षेत्र में कौन सा सेल बनता है, फेरल बनता है, उसके बाद में ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय कोशिका बनती है, वो आपकी कहाँ से कहाँ बनती है, जीरो से मतलब 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री उत्तर की तरफ एक कोशिका बन गई हेडली कोशिका, फिर इसके बाद में 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक फेरल कोशिका, फिर इसके बाद में 65 से लेकर के ध्रुव तक का यानी 80 डिग्री तक का ध्रुवीय कोशिका बन गई, सब पढ़े हो ना, तो कोशिका यही बन रहा है, नीचे वाला दूसरा ऊपर वाला दूसरा, है ना, तो थोड़ा सा इसको देखा करो, तो यहाँ पर हवा जो बन रही है ये वाला आप पढ़ रहे हैं भाई, तो इसको थोड़ा आप लो उसको नहीं पाएगा, तो लिखो सर बेटा, दो विपरीत वायु राशि के कारण सम्मिलित क्षेत्र 30 से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर 8 से 12 किलोमीटर होता है, 8 से 12 किलोमीटर होता है, दो विपरीत वायु राशियों के कारण इनकी ताप प्रवणता विपरीत वायु राशियों के कारण इनकी ताप प्रवणता अधिक होती है, इनकी ताप प्रवणता अधिक होती है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु ये अधिक अनियमित होती है, इनकी गति से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इस जेट स्ट्रीम की खोज स्वीडिश वैज्ञानिक रॉस्पी
रास्मी वेव्स कहते हैं। इंग्लिश में लिख दीजिए इसे रास्मी वेव कहते हैं या रास्मी वेव दीजिए। तो ये दूसरी आपकी ध्रुवीय हवा हो गई, मतलब आपकी ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम हो गई, ठीक, जो कि आपकी चलती कहाँ कहाँ है बेटा, 20 से 30 डिग्री और 30 से 60 डिग्री के बीच में जो चलती हवा ये हो गई। इसके बाद इसके बाद दो और हमारे हमारे चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जल, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जल इसके बारे में लिखिए। देखिए बेसिकली जो आपने देखा इसको हवा होती है, ये देखिए जब भी कोई पेटी होगी वो संक्रमण पेटी होगी ना, क्योंकि 60 से 65 होगी है ना, 20 से 30 वाली होगी आपकी और ये 5 डिग्री प्लस माइनस करके होगी है। तो अभी तो आप लोगों ने देखा है मूल रूप से जिसका नाम है आपका ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब इसमें आपने देखा दो तरह का, अब जरा बताइए आप 30 से 35 डिग्री का जो एरिया है ऐसा कैसा एरिया है, क्या कहेंगे इसको, उपध्रुवीय, ठीक है, उपध्रुवीय क्षेत्र ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का स्वभाव कैसा होगा, ठंडा, ठंडा, यहाँ का स्वभाव कैसा होगा, आपने इतने के बारे में ही देखा, यहाँ से जो आपने 20 से 30 के बारे में देखा, ये अगले स्टेप वाली जो हवा होगी वो जेट स्ट्रीम चलेगी, यानी कि जेट स्ट्रीम देखा मैंने बताया 60 से ध्रुव की तरफ उत्तर दक्षिण जल्दी पहले, दूसरी आपने देखी 30 से 60 डिग्री 30 की तरफ वाला जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा, गर्म, और 60 से 65 वाला हिस्सा, और चूंकि ये चल रही है जेट स्ट्रीम तो इसका जो बर्ताव जहाँ पर है उस तरह से है, उस नाते इसको 30 से 60 के मध्य चलती है, 30 के पास वाला एरिया गर्म वाला यानी आधा व्यवहार ऐसे कह सकते हैं, आधे का व्यवहार गर्म आधे का व्यवहार ठंडा वाला। इसके बाद जो चलेगा वो 20 से 35 अक्षांश के बीच चलेगा ऊपर के हिस्से में, ठीक है। ये जो आप पढ़ते हो क्या पढ़ा दिया आपने, अक्षांश के बीच चलेगी, और इसके बाद में एक पूर्वा जो हो जाएगी, बस एक चौथा पूर्वा, ठीक है। बात कर देखते हैं उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट वायु प्रवाह की स्थिति, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट वायु प्रवाह की स्थिति धरातलीय उपोष्णकटिबंधीय प्रवाह की स्थिति धरातलीय उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के उत्तर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के उत्तर ऊपरी क्षोभ मंडल में उत्तर ऊपरी क्षोभ मंडल में 10 से 14 किलोमीटर में होती है, 10 से 14 किलोमीटर यानी ऊंचाई 10 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के मध्य में यह हवा मिलेगी आपको, अर्थात 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर, अर्थात 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर
पाई जाती हैं या चलती हैं। इसकी गति 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी गति 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण, इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखा या ऐसे कहें विषुवत रेखीय क्षेत्र में, इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में उत्पन्न होती हैं। अरे सॉरी, आप लोग कह रहे थे इसके 340 से 385 किलोमीटर होती है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई, संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का, हवाओं का क्षोभ सीमा की पेटी में, क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर पूर्वी पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह है, उत्तर पूर्वी प्रवाह है। भारत में दिसंबर से जनवरी के मध्य, भारत में दिसंबर से जनवरी के मध्य क्या होता है, दिसंबर से जनवरी नहीं फरवरी का, सॉरी फरवरी के मध्य, दिसंबर से फरवरी के मध्य, फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ लाने का, पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए यही जेट पौने जिम्मेदार हैं। यही जेट पौने रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। तो हमारे जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है तो कौन सी जेट लेके आती है बेटा, उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट, जो कि चलती है किसके किसके मध्य में, 20 से 35 और हमारे यहाँ जब आती है हवा तो 30 डिग्री के मध्य में हमें हिमालय से बात का भी हिस्सा हमारा उसमें आता है, मतलब हमारा मिला जुला के हमारा विस्तार कितना है, 37 डिग्री पूरा एकदम आखिरी छोर, आखिरी छोर मतलब समझ रहे हो, पी ओ के वाला रे, मतलब वही समझ लीजिए, यानी कि जो हमारे मतलब बिल्कुल एकदम छोर है, अफगानिस्तान की सीमा पहुंच जाएगी डूरंड लाइन है, वहां तक हम अपना बताते हैं ना, हमारा तो इतिहास बताता है कि हम बताते ही बताते हैं कि ये हमारा पहले था। पर आप तो हम बात यहाँ पर हवाओं के बारे में कर रहे हैं, तो वो पूरा यानी कि हम पूरी तरह से किस जेट वाले हवा के क्षेत्र में, मेरा कहने का सेंस ये दिमाग में आपके रहे कि जब भी जेट जेट की बात आए तो 20 से 35 डिग्री या 30 डिग्री के मध्य चलने वाले जो जेट हवाओं का क्षेत्र है वो हमारा अपना क्षेत्र, वही जेट हम लोगों पर क्या करती है, कृपा बरसाती है, पानी बरसाती है, वो बरसात पानी से तकलीफ भी होती है तो कुछ लाभ भी होता है। लाभ ये होता है कि गेहूँ की फसलें बहुत मनमौजी फसलें हो जाती हैं, किसान एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। अगर आप पूरे भारत के बारे में पढ़ेंगे तो हर राज्य में फेस्टिवल मनाया जाता है, एक आप बार बार सुनते होंगे लोहड़ी फेस्टिवल पंजाब, इसके अलावा बंगाल में, असम में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं फसलों के बोने के काटने के। हमारे यहाँ फसलों के उत्सव के बदले में दिवाली और होली मनाई जाती है,
लगभग संयोग से ऐसा इत्तेफाक बनता है कि दिवाली फसल धान की कटी होती है, तो धान काटने के बाद गेहूं, गेहूं काटने के बाद क्या होता है, होली हो जाती है। लगभग कहीं में या तो कटने वाला होता है या तो कट गया होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको धार्मिक एंगल से जोड़ दिया गया, मैदानी क्षेत्रों में इसको थोड़ा धार्मिक स्वरूप दे दिया गया। पहले जब ये आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, गाड़ी कार फार इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोग फसल वसल काटने के बाद रिश्तेदार के यहाँ जाते, कपड़े वपड़े धुला के प्रेस करा के एकदम एक 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 रख करके और एक पहन करके लोग जाते थे, दो एक दिन वहाँ पर स्टे करते थे, खाते पीते मौज करते थे। इतने विचित्र स्थिति से क्यों देख रहे हैं, अपने अपने ऊपर वाले जो जनरेशन के हैं उनसे पूछिएगा, अभी तो कभी भी कोई आ जाता है चाहे कड़ाके की ठंडी हो चाहे गर्मी हो। पहले एक पैसिफिक टाइम हुआ करता था, तब उसमें रिलेटिव चला करते थे, है ना, सभी जिसके घरों में हुआ करता था। बेटा ये एक दौर था, मतलब वो पीरियड जो होता था फसलें काटने के बाद, किसान अपने खेती के लगभग कार्यों को संपन्न करने के बाद एक दूसरी जगह पर आवागमन करता था, एक दिन दो दिन स्टे करता था और तब इसका आनंद लेता था, ठीक है। हमारे यहाँ तो फेस्टिवल को, मैंने कहा धार्मिक एंगल से इसको मतलब थोड़ा सा प्रकाश ज़्यादा दे दिया गया, क्योंकि हम लोग राम वाली भूमि में हैं, तो संयोग से हमारे जस्ट बगल में ही हैं, उनके गुरु जी की भूमि में हम लोग रहते हैं, गुरु वशिष्ठ कौन कौन थे, गुरु वशिष्ठ किसके गुरु थे, यही तपस्या करते थे हम लोग, उन्हीं की तप भूमि में है, तो हम लोगों से असर पूरी तरह से रामायण का है ना। और केकड़ा वकड़ा वाले कभी आप देखिए, जो बंगाल केकड़ा से आते हैं लोग, बस बस में भर भर के आते हैं सब, अब इसमें तो हमको यार पढ़ना पड़ेगा, तब मैं हमको बता पाऊंगा। ये जानता हूँ गुरु जी की तपस्या भूमि थी यहाँ पर और हम लोग जंगल में थे, लेकिन हम काट काट के उसको हम लोगों ने क्या किया, मैदान क्षेत्र कर लिया और अपना जी को बांट लिया। देखिए वो उत्तेजना आपके अंदर है क्या, वो जो शांत दिख रहा है ना, बहादुरी, ऐसा जोश होने चाहिए यूपीएससी के लिए, बहादुरी दिख रहा है, देखिए युवा में कितनी यूनिटी है, देश के लिए उदाहरण है, भविष्य भविष्य दिखाता है। पर आपको थोड़ा देखा करिए कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो पहले जो परंपराएं थी क्षेत्र है, तो आपने देखा तो
तो आपको ध्यान में रखना क्या, 60 से ध्रुव की तरफ दोनों गोलार्धों में एक जेट हो गई, दूसरी जेट जो हो गई हमारी 30 से 60 और तीसरी चौथी मतलब वही 30 से या 20 के बाद से 30 से लेके विषुवत रेखा की तरफ, वैसे कैसे की 5 डिग्री विषुवत रेखा की तरफ चलती है, बस हो गया ना। चार जेट के क्षेत्र में है, इनका नाम हमेशा याद रखिएगा। हम पे प्रभाव किसका पड़ता है मैंने भी बताया आपको, पूर्व जेट का असर नहीं पड़ता है। चलिए पूर्वा जेट की थोड़ा करते हैं, हमको करेगी मानसून आने में काम करेगी, देखिए मानसून आने में जिम्मेदार होती है पूर्वा जेट, पूछो कैसे ऐसे होती है ना, इसे उठती है ये तो जेट क्या करेगी, ये इधर वाली है ध्यान समझना, ये इधर वाली जेट की हवा है, तो ये जब आती है इधर की जेट को तो यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है हमारे को मानसून बनाने का बहुत बड़ा कारक होता है, जो हमारा दक्षिण पश्चिम भारत के इन क्षेत्रों वाली बात करेंगे ना, ये पूर्व एशिया दक्षिण एशिया मानसून लाने में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कारक हो जाता है। ये जब आता है तो ये हिंद महासागर में, ये जब बैठता है तो हिंद महासागर में वायदाब की जो स्थिति है उसको भिन्न कर देता है। अभी आगे देखेंगे आप लोग, मतलब ये जान लीजिए यह भी असर करता है हमारे, तो दो पछुआ एक तो पूर्वा जेट एक पछुआ जेट, ये दोनों हमारे ऊपर हमारे मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो पछुआ जेट है वो ठंडक के मौसम में यानी कि नवंबर अक्टूबर नवंबर और से लेकर फरवरी तक जो वर्षा वगैरह कराते हैं हमारे लिए वो पछुआ जेट रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसके बाद में जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी के मौसम में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पूर्वा जेट। चलिए तो बात कर लेते हैं आगे, मैंने रिपीट कर रहा हूँ मैं, इस जेट की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, यह केवल उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में भारत तथा अफ्रीका के ऊपर भारत तथा अफ्रीका के ऊपर 14 से 16 किलोमीटर होती है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए यही पूर्वा जेट उत्तरदायी होती है, गर्म होने के कारण यह जेट स्ट्रीम सतही गर्म हुआ आद्र हवाओं को ऊपर उठाकर भारत में संवहनीय वर्षा करती है, आद्र हवाओं को ऊपर उठाकर भारत में संवहनीय वर्षा करती है, इस प्रकार भारत में मानसून का प्रस्फोट एक शब्द है, प्रस्फोट होता है या आगमन होता है या मतलब बढ़िया मानसून बन जाता है तो वर्षा होती है, इसको क्या कहते हैं प्रस्फोट, ठीक है। चलिए और जेट हवाओं की अवस्थाएं जो है इसके बारे में सूचकांक के बारे में लिख लीजिए और फिर उसके बाद जेट पढ़ने में बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए जेट प्रवाहों का प्रवाह का सूचकांक क्रम, जेट प्रवाह का सूचकांक चक्र क्रम
क्रम भी कह सकते हैं, चक्र भी कह सकते हैं, किताब में आपको चक्र ही मिलेगा, सूचकांक चक्र, जेड प्रभाव का सूचकांक चक्र। लिखिए बेटा इसमें जेड स्ट्रीम की स्थिति तथा विस्तार में, जेड स्ट्रीम की स्थिति तथा विस्तार में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रायः, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रायः परिवर्तन होता रहता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रायः परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम का, जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग, जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग सीधे पश्चिम पूर्व दिशा में, सीधे पश्चिम पूर्व दिशा में प्रवाह से लेकर, प्रवाह से लेकर विसर्पित, विसर्पित डिपार्टमेंट टर्न कर देती है, चलती है तो चलने की दिशा, कहीं कहीं ऐसे होगी जो आपको सब दिशाएं बताएंगे आपको, कहीं कहीं विसर्प का निर्माण से झील, गोकुल झील देखते हैं ना, ऐसी संरचना में भी चलती तो विसर्प कह रहे हैं, जिसे मोड़ लेकर के चलेगी, लहर लेकर के चलती है, ठीक है। अब लहर में हवा में चलने पे, जैसे पानी की जब लहर चलती है हाथ तैरना और लहर में हवा की लहर में पड़ जाना, तो क्या होती है लहर, कहीं आप देखते हैं चक्राकार चलती है, कहीं ऐसे ऐसे चलती है, तो उसमें क्या होता है बड़ा उठक पटक हो जाती है और बहुत सारा चीज़ें नुकसान हो जाती है। चक्रवात वगैरह में अगर जो है भंवर ना बने, यानी कि चक्रा राउंड ना हो, तो इतनी विनाशकारी क्षति नहीं हो पाएगी। वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ताकत वाले टर्नेडो वगैरह जो होते हैं क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं, इतनी ताकत होती है उसमें, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी चीज़ को उसके अंदर आ जाने के बाद में वो ऊपर ही हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने यहाँ गर्मी के मौसम में छोटे छोटे भवन छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उसमें जो कागज पत्र पड़ जाता है, पन्नी पड़ जाती है, आप देखते बहुत ऊपर तक उठी चले जाती है ना, तो वही होता है उसमें क्या ग्रेविटी बन जाता है, उस क्षेत्र में ग्रेविटी बन जाती है। नदियों में जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो लहरें जब चलती हैं, कभी आप देखिए आप डर जाओगे, भयावह स्थिति होती है, उसमें भंवर लेके चलता है कोई व्यक्ति, अगर उसमें जाएगा तो इतना राउंड उसके शरीर का हो जाएगा, घूम जाएगा उसी में, बस में रहे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी उसकी, और उसी उठा पटक में वो पानी जब एक राउंड बनाता है तो डीप चला जाता है, गहराई में, यानी आप उसमें डूबोगे तो फिर नीचे चले जाओगे, फिर नीचे जाकर कहीं जहाँ इसका वो बनेगा वहाँ निकलोगे आप, है ना, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, जिसे अक्सर कहते हैं लोग कुंड है यहाँ पर, तो चूना पत्थर वाला क्षेत्र अगर मान लो वहाँ बना मोहर, तो वहाँ पे पानी आपको वहाँ तक लेके खींचते हुए चला जाएगा वहाँ, और उस दबाव में आप नदी की धारा में आप ताकत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बह जाएंगे आप उसी में, और वहाँ तक आपको जाना ही जाना पड़ेगा गंतव्य तक। मतलब ऐसी स्थिति होती है जो बहुत ही एक्सपर्ट तैराक या इस तरह के लोग होते हैं, संभवतः वही उस पर बच पाते हैं, अन्यथा कोई नहीं बच पाता। भंवर में पड़ जाने के बाद में आपके देखिए धूल गर्दे कितने भंवर आ जाती है, देखिए कितने धूल गर्दे हो जाते हैं और नुकसान भी पहुँचाता है, बड़ी भंवर डर है तो आपको गिरा भी देगा, आपकी गाड़ियों को भी लड़कवा जाती है गाड़ी। अक्सर आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े आपने देखा यूरोप की किसी कंट्री में बताया आया चक्रवात, तो आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी ट्रक्स हैं उनको देखिए पलटी हुई दिखाई देती है, इसका मतलब उस हवा में बहुत ताकत होती होगी ना, तभी तो उसको उठा के पलट पाएगी, अदरवाइज गाड़ी कैसे पलटा जाएगी, है ना, तो बहुत शक्तिशाली होता है हवाओं का। जेट में जो प्लेन हाथ पड़ जाती है ना, तो प्लेन को झटके लगने लगते हैं, जो स्पीड चलती है ना उसमें झटके खाने, सबसे पहले तो यही सेकंड वर्ल्ड वार के समय जब हिरोशिमा नागासाकी बम गिराने के लिए अमेरिकी जो विमान गए थे वो इसी मंडल में चले गए थे, इसी मतलब इसी वाले क्षेत्र में, जेट हवाओं के क्षेत्र में चले गए थे, क्योंकि किसी को पता ना चले तो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे थे वो, और काफ़ी ऊंचाई पर उड़ने मतलब यानी कि यही जेट हवाओं के क्षेत्र में चले गए थे, तो उनको झटके लगे तो उनको लगा कि कौन है, हो सकता है कोई देवता हो, झटकों के मारने के लिए यूरोपियन लोगों में अमेरिका वगैरह जो है वो थोड़ा इन सब चीज़ों पर नहीं मानता है। अगर ट्रायंगल हमारे यहाँ होता तो उसकी पूजा हो रही होती, आप वही लोग जल चढ़ा रहे हो, क्योंकि ऐसी परंपरा है हमारी, हमारी संस्कृति सभ्यता ही कुछ इस तरह की है कि जिससे कि हम लोग, अब बताइए ऐसा नहीं कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में विकास नहीं किया है, हम लोगों ने तो
चांद तक पहुंचने का पूरा प्लान कर लिया। बहुत सारी चीजें हमारी हमारी जो टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से कहें अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत उन्नत है, लेकिन वहां पर भी हम पहले पूजा करके ही काम करते हैं, करते ही नहीं करते। तो हमारे यहाँ का कुछ कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इस पर थोड़ा सा आध्यात्मिक है, तो उस आधार पर हम लोग काम करते हैं। बाकी जो गाँव पर वो जो झटके लगने वाली बात है, इस पर अगर आप लोग फाइटर जेट चलाएंगे, दोनों जेट चलाएंगे, बाकी जेट वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे, फाइटर जेट ही चलाएंगे, तो उसमें झटके लगते हैं, उनको भी एक बताया जाता है कैसे कहाँ चलना है ना। और अगर पता चला इसकी किसी अवस्था वाले हो गया तो प्लेन उनको ऐसे हिला देगा पूरा, और हिला जाएगा प्लेन तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसको, और भी तमाम सारे दिक्कतें आ सकती हैं, कमी आ सकती है। भाई हवाई जहाज को हिला देगा, हिला देना वहाँ पर ऊंचाई पर, तो उसमें और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है ना। वो अपने स्मूथ गति से चलेगी चीज़ें, चूँकि ये सब उड़ने वाले हवाई जहाज में कुछ किस क्षेत्र की है, समताप मंडल हो, और एक कहते हैं कि समान यहाँ पर तापमान, कोई भी मौसम संबंधी कोई एक्टिविटी ज़्यादा ना होने, चक्रवात उपरात वहाँ ना रहे, नहीं तो पता चलेगा कि उलट उलट जाएंगे वहाँ के लिए, उड़ना चाहिए ऐसे टूटने लगेंगे ऐसे, है ना, ताकत लग जाएगी हवा, तो दिक्कत हो जाएगी। साथ ही उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, उसमें बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, उनको कंट्रोल करना बहुत टेक्नोलॉजी की बात होती है, अदरवाइज वो उतनी बड़ी, आप जो सिर्फ समझते हो हवाई जहाज देखते हो ना, कंट्रोल जल्दी नहीं हो पाती। बड़े बड़े सीपों को देखिए, जब तटों पर आती हैं, जरा सा कंट्रोल उनका बिगड़ता है तो तोड़ती हुई चली जाती हैं तट के पास। क्रूज वगैरह को देखिए आप लोग, टीवी में देखे होंगे, तो क्रूज वगैरह देखेंगे, कभी कोई दिखाता है कि क्रूज वगैरह जरा सा डिस्टर्ब हुआ तो तोड़ता हुआ घुस जाता है तटों, बहुत बड़ी वो सीप होती है। मालाबार तट तक जाओगे, केरला तक जाओगे, अरे नहीं तो लक्षद्वीप चले जाओगे, अगरबत्ती वगैरह है नहीं, 280 किलोमीटर की जर्नी कर लोगे आप लोग। अरे शर्मा, आप शाहरुख खान के जो सुपुत्र जी हैं वही तो जा रहे थे कहीं, पकड़ लिए गए, किस केस में पकड़े, ठीक है। परिवर्तन होता रहता है जिससे जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम का प्रवाह प्रारूप सीधे पश्चिम पूर्व दिशा कहाँ तक हुआ है, सीधे पश्चिम पूर्व दिशा में प्रवाह से लेकर विसर्ग का निर्माण करती है ऐसे भी कर सकते हैं, विसर्पित तक हो जाता है। इस प्रकार सीधे प्रवाह से लेकर लहर नुमा प्रवाह मार्ग के लहर नुमा प्रवाह मार्ग बनने की अवधि को सूचकांक चक्र कहते हैं, यह चार अवस्थाओं में पूर्ण होता है, इसे जेट स्ट्रीम का विकास चक्र इसे जेट स्ट्रीम का विकास चक्र के नाम से जाना जाता है, या संज्ञा प्रदान की गई है। अब इसकी चार अवस्थाएं, पहली अवस्था लिखिए, प्रथम अवस्था क्या होती है जेट स्ट्रीम की, प्रथम अवस्था लिखिए, चार अवस्थाएं लिखनी है, पहली अवस्था लिखिए, जेट स्ट्रीम की यह स्थिति ध्रुव के पास होने के कारण,
यदि करिए सर आगे बच्चों, स्थिति ध्रुव के पास होने के कारण इसे उच्च कटिबंधीय, उच्च है उष्ण नहीं है, उच्च कटिबंधीय सूचकांक कहते हैं। सूचकांक कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में इस धारा के उत्तर में ध्रुवीय ठंडी हवा, उत्तरी गोलार्ध में इस धारा के उत्तर में ध्रुवीय ठंडी हवा तथा दक्षिण में गर्म पछुआ हवा होती है। जेट स्ट्रीम का संचार, जेट स्ट्रीम का संचार पश्चिम से पूर्व लगभग सीधे मार्ग में होता है। क्योंकि अभी तक रास्वी लहर का निर्माण नहीं हो पाता है धरातल पर ठंडी ध्रुवीय वायुराशि योग गर्म पछुआ वायुराशि के अभिसरण के कारण चक्रवातीय दशा का आविर्भाव होता है। द्वितीय अवस्था लिख लीजिए, अब कल पढ़ेंगे हम द्वितीय। ओके, थैंक यू सर।